पूरे 4 दिन मेरी वीडियो नहीं आई, बहुत ज्यादा परेशानी का आलम था मेरे ऊपर और आप सब भी बहुत ज्यादा परेशान थी। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि बाजी क्या मसला है, आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताती हूँ, मेरे चैनल बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गया, मेरा चैनल किसी भी टाइम डिलीट हो सकता है। तो प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि मेरी आज की वीडियो को मुकम्मल वाच करें और आने वाली 1 हफ्ते तक हर वीडियो को मुकम्मल वाच करें ताकि मैं इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकूं। YouTube चैनल RJ महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मार का खैर खैरियत ना ला मिसाल दुबई वेंदा पे देखो 2 महीना लेंदा या 1.5 महीना लेंदे साल आदे 2 साल ले सब कुछ शक्ल दे सही नहीं ते 2 साल लावण वाली पक्की गाल है। उसका अंधारा जी भर के अपने बाबा से प्यार कर ले फिर तो 2 साल लगाने वाले हो ना, है ना? 2 साल पक्की बात है। ओके जी खैर ना लो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी तमाम YouTube फैमिली खैर खैरियत से होगी। अल्लाह पाक आपको हंसता रखे मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत और नेक दुआ के साथ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हैं। 5 दिन वीडियो नहीं आई, जो आप सबने इतने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतनी मोहब्बतें बांटी, वो सारे मैंने चेक किए और चेक करती रही, लेकिन बहुत ज्यादा मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और आज थोड़ी सी इजी हुई तो मैंने कहा अपना व्लॉग भी बनाती हूँ, साथ में अपनी मसरूफियत भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ, साथ में कान पकड़ के सॉरी भी करती हूँ, क्योंकि आप सब इतनी मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होते हैं, इतनी आपकी मोहब्बतें होती हैं, लेकिन RJ महविश के ऊपर अभी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, समझा करें। तो जिम्मेदारियां निभाते पता नहीं अब मेरा क्या होने वाला है। जो मेरे रात वाले दिन से वीडियो नहीं आई, जो मेरे रात वाले दिन हमारे दूर पार के रिश्तेदारों की फोतकी हो गई थी, तो वहां जाना भी आपको पता है जरूरी होता है। सारा दिन वहां रही, जुमे वाले दिन मैं सुबह ही उठी तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो जनाब ने कहा आज व्लॉग को रखो साइड पे और सारे जो मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हैं सारे धो, उन्हें प्रेस करो, सेट करो।
तो मैंने कहा कि आज फिर वीडियो नहीं बनाती, रहने देती हूँ, क्योंकि रोज कपड़े धो धो के दिखा दिखा के आपको बोर तो नहीं करना। जुम्मे वाले दिन रावी ने चैन ही चैन लिखा, मैंने सारे मशीन लगा के कपड़े धोए, जनाब के प्रेस किए, क्योंकि इनकी हफ्ते वाले दिन टिकट होनी थी। सो हफ्ते वाले दिन फिर डीजी खान चली गई, मेरी भांजी की तबीयत खराब थी, जब उसको पूछने गई तो जनाब एजेंसी पे चले गए, इनकी टिकट हो गई, तो सारा दिन फिर उधर ही ऐसे ही गुजर गया, व्लॉग फिर भी नहीं बन सका। और आता है जी एतवार का दिन, यानी कि संडे का दिन, फिर संडे वाले दिन इधर भाग उधर भाग, मेहमान आ गए कुछ, मेरी ससुराली फैमिली आ गई, मेरे शौहर की बहनें आ गई, मेरी सास आ गई, सब लोग, उनकी खाना और खातर तवाजो में इसी तरह दिन गुजरा, फिर पता ही नहीं चला। और आज था जी सोमवार, सुबह उठे, थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन शेयर की आपके साथ, फिर भागे भागे गए, क्योंकि 8 बजे हमारे जनाब की एंट्री होनी थी। सुबह में जैसे ही उठी जल्दी जल्दी थोड़ा सा व्लॉग बनाया, उसके बाद हम गए जी जनाब को, जिस तरह से आप सबने देखा, एयरपोर्ट छोड़ने। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम तकरीबन घूम फिर के अभी असर का टाइम है घर पहुंचे हैं, तो मैंने कहा कि वीडियो को तो कंप्लीट करूं, क्योंकि बाहर धूप थी, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से मैंने कहा वहां मुनासिब नहीं लगा कि वीडियो बनाए, क्योंकि गर्मी में मुझसे बोला ही नहीं जाता है, काफी मोटी हो गई हूँ इसीलिए सांस फूल जाता है। अभी आ जाती हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जिस तरह से आप सबने टाइटल से ही देख लिया, मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हूँ, और परेशानी के आलम में मैंने सोचा कि आप सबको भी बता दूं कि मेरा चैनल जो है अभी खतरे में पड़ गया है, क्योंकि भाई दुश्मन वैसे ही बहुत ज्यादा थे मेरे चैनल को, रिपोर्टें लगाते थे, मेरे खिलाफ बेहुदा बातें करते थे। वजह क्या थी कि एक औरत इतनी तरक्की क्यों कर गई है, वो भी डीजी खान से, क्योंकि आपको पता है डीजी खान में औरत आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो मर्द है ना, औरत को आगे जाने ही नहीं देते, ये कहते हैं कि बस हम ही हैं, चाहे जैसे भी हैं हम हैं। अगर औरत इस फील्ड में अगर अपना नाम और मकाम बना गई है, तो यकीन करें लाखों की तादाद में उसके पीछे लग जाएंगे, और उसको इतना गलत ठहराने की कोशिश करेंगे ना, कि उसको गलत ठहराने के चक्कर में पता नहीं खुद कितने गिर जाती हैं। तो छोड़ें, दफा करें इनको, और मैं बताती हूँ आपको कि क्या इशू आ रहा है। एक इंडिया का तकरीबन व्लॉगर बेगैरत मेरे चैनल के पीछे ही पड़ गया है, 1 माह हो गया मेरा चैनल पूरा डाउन करके उसने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कॉपीराइट क्लेम दिए जा रहे। ये एक मेरे साथ इशू नहीं आ रहा, काफी सारे यूट्यूबर बहन भाई इस बात की शिकायत कर रहे हैं। एक म्यूजिक के पीछे हमें जो है 1000 से 1100 वीडियो पर मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, जिसकी वजह से मेरे चैनल की एवरेज काफी नीचे गिर गई है, व्यूज कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। तो ये म्यूजिक का इशू उठा, 4 साल से हमने चैनल बनाया और हम ये म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे थे, मैं भी और काफी यूट्यूबर बहन भाई भी, लोगों को देख देख के मैंने ये म्यूजिक लगाना शुरू कर दिया कि ये शायद विदाउट कॉपीराइट है, और जब से लगाना शुरू किया 4 साल हो गए, इस पे कभी कोई इशू भी नहीं आया था। 1 माह हुआ कि अचानक से इस बंदे ने मेरी 1000 से 1100 वीडियो पे कॉपीराइट देना शुरू कर दिया, कॉपीराइट क्लेम, जिसकी वजह से मेरे चैनल की अचानक से एवरेज गिर गई, व्यूज भी कम हो गए और सब्सक्राइबर भी डाउन हो गए। अगर इस बंदे का म्यूजिक था तो हमें इससे और कोई शिकायत नहीं है, यही है कि इसका अपना म्यूजिक था तो इसने शुरू से अपने म्यूजिक के लिए एक्शन क्यों नहीं उठाया। 4 साल गुजरने के बाद ये अब सब यूट्यूबर्स को इतनी इतनी उनकी वीडियोस पे एक म्यूजिक लगा हुआ है, उनकी मेहनत है, कॉपीराइट क्लेम देना शुरू कर दिए, तो ये तो गलत बात है ना। खुदा ना खासा चैनल डिलीट हो गया तो आरजे महवेश अभी जिंदा है, उसमें हिम्मत भी है, वो चैनल बना भी लेगी, चला भी लेगी, लेकिन मुझे इस चैनल को इसीलिए बचाना है कि इसमें मेरी मासूम सी बेटी मुस्कान जारा की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, यादें हैं, इसलिए मैं इस चैनल को जो है ना बचाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की यादें महफूज रहें। अगर आप सब बहन भाई भी मुस्कान जारा को मेरे चैनल पर जिंदा देखना चाहती हैं, उसकी वीडियोज को जाया होने से बचाना चाहते हैं, तो आज से मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना शुरू कर दे, तकरीबन 1 माह 2 माह तक, जब तक इस इशू को हम सेट नहीं कर लेते और हमारी जो वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम है वो सारे हट नहीं जाते। बाकी चैनल है उसमें प्यारी प्यारी मुस्कान जारा की बातें होती थी, यदि वो सारे म्यूट हो गए, क्योंकि 1000 से 1100 वीडियो अगर डिलीट करते तो चैनल ही खत्म हो जाता, इसीलिए हम पूरी चैनल की वीडियोस को जिन जिन पर इशू आते जा रहे म्यूट करते जा रहे, यानी कि वो वीडियो गूंगी होती जा रही है। बाकी प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि मुस्कान की यादें बचाएं, मेरी मेहनत को जाया होने से बचाएं, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, स्किप करके ना देखें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सुबह से डेली व्लॉग बनाएं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।